खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, कौन बनेगा प्रधानमंत्री में मैं अनुराग मुस्कान आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बांका में हैं। बांका के बांके नौजवानों, जरा ताली तो बजा दो जोर से। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो लीजिए, आज का सफर बांका से शुरू करते हैं, कौन बनेगा प्रधानमंत्री का, और बांका के मन में क्या है, बांका का मन टटोलने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले दस्तूर निभाते हुए 2019 की 19 खबरें देखकर फौरन आइए बांका वापस। अयोध्या में प्रियंका गांधी बोली, किसान अपनी खेती की रक्षा के लिए चौकीदार बनने को मजबूर, और मोदी खुद ही चौकीदार बने घूम रहे हैं। प्रियंका का मोदी पर सीधा अटैक, बोली पिछले 5 साल मोदी ने इतना भाषण दिया जितना किसी पीएम ने नहीं दिया होगा। अयोध्या में प्रियंका ने कहा, मोदी अपने चुनाव क्षेत्र में लोगों से मिलते तक नहीं लेकिन पूरी दुनिया के नेताओं को गले लगाते फिरते हैं। कांग्रेस ने पूछा, मोदी बताएं कि वो न्याय योजना के खिलाफ हैं या साथ में। न्याय योजना में गरीबों को सालाना 72,000 रुपए देने का वादा राहुल गांधी ने किया है। कभी मोदी के दोस्त रहे सीएम चंद्रबाबू नायडू बोले, चुनाव आते ही केंद्र छापेमारी के लिए इनकम टैक्स की टीम भेज रहा है। बढ़ती बेरोजगारी पर कांग्रेस ने पीएम मोदी को घेरा, जयराम रमेश बोले, मोदी पहले ऐसे पीएम जिनके कार्यकाल में नौकरियां बनी नहीं बल्कि उनका नाश हुआ। पीएम मोदी की आज भी 3 राज्यों में रैली, ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बीजेपी के लिए वोट मांगे। हरियाणा के यमुनानगर में राहुल गांधी ने रोड शो किया, परिवर्तन यात्रा की बस में हुए शामिल, रास्ते में लोगों से मिले। हार्दिक पटेल लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, गुजरात हाई कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से इनकार किया, विधायक के घर में तोड़फोड़ केस में मिली है सजा। सेना में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाने वाले बीएसएफ के पूर्व जवान तेज बहादुर वाराणसी में मोदी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। बिहार में महागठबंधन की सीटों का ऐलान हुआ, ससुर चंद्रिका राय को टिकट दिए जाने से तेज प्रताप नाराज हैं, पटना साहिब सीट कांग्रेस के पास। मांझी की पार्टी में उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होते ही बगावत, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महाचंद्र प्रसाद ने दिया इस्तीफा। काठगोदाम शताब्दी ट्रेन में चौकीदार लिखे हुए कप में चाय परोसी गई, शिकायत के बाद रेलवे ने हटवाए कप, वेंडर पर जुर्माना लगाया। पुरी में बीजेपी उम्मीदवार संबित पात्रा ने भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के साथ प्रचार किया, कांग्रेस ने आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में अमित शाह ने खेला हिंदू मुस्लिम कार्ड, बोले ममता इमामों को भत्ता देती हैं, पुजारियों को नहीं। कांग्रेस ने मुंबई नॉर्थ लोकसभा सीट से उर्मिला मातोंडकर को टिकट दिया, मुंबई में पूजा करने पहुंची उर्मिला। यूपी के महाराजगंज में कांग्रेस ने बदला उम्मीदवार, अमरमणि त्रिपाठी की बेटी तनुश्री त्रिपाठी की जगह पत्रकार सुप्रिया श्रीनेट को टिकट दिया। कर्नाटक में बेंगलोर साउथ सीट से बीजेपी उम्मीदवार तेजस्वी सूर्या ने कहा, अगर आप मोदी के साथ नहीं तो आप देशद्रोही, कांग्रेस ने बयान की चुनाव आयोग से शिकायत की। एमपी के सीएम कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में अपने बेटे उम्मीदवार नकुल पर लोगों से कहा, ये काम न करें तो इनके कपड़े फाड़ देना। अब देखिए, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, दल बदलने वाले नेताओं की लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। आज कौन पलटा, देखिए पॉलिटिक्स के पलटूराम में। बीजेपी में टिकट ना दिए जाने से नाराज इटावा से सांसद अशोक दोहरे कांग्रेस में शामिल हुए, राहुल गांधी ने स्वागत किया। हरियाणा के अंबाला में चौटाला की पार्टी INLD के नेता मक्खन सिंह लबाना बीजेपी में शामिल हो गए। अच्छा, अब ये भी देख लीजिए कि किन किन नेताओं ने आज अपना नॉमिनेशन दाखिल किया। ओडिशा की पुरी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार संबित पात्रा ने आज रोड शो के साथ नामांकन किया।
यूपी की फिरोजाबाद लोकसभा सीट से एसपी के अक्षय यादव ने नामांकन किया। इसी सीट से अक्षय के चाचा शिवपाल चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के वरुण गांधी ने यूपी की पीलीभीत लोकसभा सीट से आज नामांकन किया और नारा दिया कि देश के सम्मान में मोदी जी को लाना है। अब आपको दिखाते हैं पहली रिपोर्ट। देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के कोने कोने में जगह जगह जाकर के अपनी स्थिति मजबूत करने में लगे हुए एनडीए की, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उनके किले में सेंध लगाने की जुगत में जुट गई हैं। किला माने वाराणसी। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब प्रियंका गांधी के वाराणसी से चुनाव लड़ने की चर्चा बहुत तेज हो गई है। साथियों, आपके काम पूरे होने चाहिए नहीं होने चाहिए, यह आपका चौकीदार कर सकता है नहीं कर सकता है? अगर हिंदुस्तान में कर सकता है, ओडिशा में क्यों नहीं कर सकता? भाइयों बहनों, एक बार मौका तो देके देखो। यूपी के मेरठ से लेकर ओडिशा के कोरापुट तक प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस पर तीखे वार कर रहे हैं, और ये वो तस्वीर है जिसके जरिए प्रियंका मोदी के हर वार का जवाब देने में जुटी हैं। मैंने पूछा, प्रधानमंत्री जी गांव गए हैं? जवाब आया कि 5 सालों में अपने ही क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी को समय नहीं मिला कि एक गांव में जाए, एक परिवार से गले लगाए, एक परिवार से उनका हाल पूछे। पूर्वी यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी सिर्फ अपनी पार्टी के लिए प्रचार नहीं कर रही। खबर है कि प्रियंका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा सीट वाराणसी से उनसे सीधा मुकाबला भी कर सकती हैं। 2 दिन से चर्चा थी तो आज एबीपी न्यूज ने प्रियंका से सवाल किया कि क्या वो वाराणसी से मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। क्या वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी? जहाँ से मेरी पार्टी कहेगी वहाँ से मैं चुनाव लड़ूंगी। भले ही प्रियंका गांधी ने ये सीधे तौर पर नहीं कहा कि वो वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन उनके इस जवाब से ये कहा जा सकता है कि पूर्वी यूपी की किसी न किसी सीट से प्रियंका के चुनाव लड़ने का ऐलान हो सकता है। बड़ी बात यह है कि वाराणसी सीट पर अब तक कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है और वाराणसी में 19 मई को आखिरी चरण में वोट डाले जाएंगे। यानी अभी कांग्रेस के पास वक्त है और इस वक्त का फायदा प्रियंका गांधी मोदी पर हमले करके उठा रही है। मैंने करके देखा है, मैं एक हफ्ते से सिर्फ कोरा किया है मैंने, और एक हफ्ते में मैंने सत्य देखा है। मैंने सत्य उस बुंडक के घर में देखा है जिसके छप्पर में से पानी आ रहा है, जो मुझे कहता है कि 5 सालों में मैं तबाह हो गया हूँ। मैंने सत्य उस किसानों की आंखों में देखा है जिसने मुझे कहा किसानों का कोई चौकीदार नहीं होता, चौकीदार अमीर का होता है। उस किसानों की आंखों में देखा है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि प्रधानमंत्री मोदी देश भर में बीजेपी को मजबूत करने में लगे हैं और प्रियंका चुपके से उनके किले काशी में ही सेंध लगा दी। हम बिहार में हैं, अब बिहार की बात करते हैं। देखिए, कहते हैं कि राजनीति में न कोई दोस्त होता है न कोई दुश्मन होता है, लेकिन इसी राजनीति की वजह से लालू प्रसाद यादव के ही परिवार में तल्खियां दिखाई दे रही हैं। लोकसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की दिशाएं अलग अलग हो गई हैं। मामला क्या है जानना नहीं चाहेंगे? जान लीजिए। अरे आप चलिए, ठीक है ना, आप लोग टीआरपी के लिए सब पूछिएगा करिएगा, वो नहीं आए ही नहीं आए, क्या बात। चलिए ठीक, कोई नाराजगी नहीं है। चलिए धन्यवाद। तेजस्वी यादव से सवाल तेज प्रताप की नाराजगी को लेकर पूछा गया था, लेकिन जिस अंदाज में सवाल को टालकर हाथ उठाने के लिए वो खड़े हुए, उसके बाद ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि क्या लालू परिवार में सब कुछ सामान्य नहीं है? लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप कई दिनों से नाराज बताए जा रहे हैं। नाराजगी की वजह है लोकसभा की 2 सीट, एक सारण दूसरा शिवहर। सारण इसलिए क्योंकि लालू यहां से सांसद रहे हैं और इस बार पार्टी ने तेज प्रताप के ससुर चंद्रिका राय को टिकट दिया है, और इसी तल्खी के दौरान आरजेडी ने चंद्रिका राय को उम्मीदवार बनाकर तेज प्रताप को भड़का दिया है। हालांकि एबीपी न्यूज के कैमरे पर चंद्रिका राय कह रहे हैं कि कोई नाराजगी नहीं है।
पारिवारिक वजह क्या बन सकती है आपके लिए परेशानी का? नहीं नहीं कोई परेशानी नहीं है वहाँ पर, मैं तो वहाँ पर 10-15 दिन से वहाँ घूम रहा हूँ, कोई परेशानी नहीं, एक तरह का लहर है। शिवहर जो राष्ट्रीय जनता दल के खाते में आया है, इसका उम्मीदवार की घोषणा कुछ दिनों में कर दी जाएगी। शिवहर सीट से अंगेश सिंह के अलावा बाहुबली रामा सिंह, पूर्व विधायक अजीत कुमार झा और विधायक अबू दोजाना भी आरजेडी टिकट के दावेदार हैं। अब देखिए लोकसभा चुनाव सिर पर हैं और उधर मुंबई में बीजेपी सांसद किरीट सोमैया अधर में लटके हुए हैं। क्यों अधर में लटके हुए ये भी तय नहीं है कि उन्हें टिकट लोकसभा की इस बार मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। क्या है पूरा मामला, क्यों ऐसा हो रहा है उनके साथ, देखिए। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया का ये गुस्सा टिकट फंसने पर है। मुंबई की 6 लोकसभा सीटों में से ये अकेली ऐसी सीट है जो लटक गई है। बीजेपी मुंबई उत्तर पूर्व से सांसद किरीट को टिकट देना चाहती है, लेकिन शिवसेना किरीट सोमैया की उम्मीदवारी के खिलाफ है। शिवसैनिकों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि वो किरीट सोमैया के लिए काम नहीं करेंगे। स्थिति ये है कि शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत के भाई और शिवसेना विधायक सुनील राउत ने कहा है कि अगर किरीट को टिकट मिला तो उनके खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। किरीट जी को सीट मिलती है, समझो गलती से भी मिलती है, तो हमें पूरा विरोध है, शिवसैनिकों का विरोध है। और सीट मिलेगी, मुझे खातिर है नहीं मिलेगी, लेकिन मिलती है तो मैं लड़ सकता हूँ यहाँ से। लेकिन शिवसेना किरीट सोमैया से इतनी खफा क्यों है, तो इसके पीछे की कहानी ये है कि साल 2014 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी शिवसेना गठबंधन टूट गया, जिसके बाद बीजेपी के कई नेताओं ने शिवसेना पर लगातार तीखे हमले किए और ऐसा करने में बीजेपी नेताओं में सबसे आगे थे किरीट सोमैया। शिवसेना किरीट सोमैया को अपना दुश्मन नंबर एक इसलिए भी मानती है क्योंकि सोमैया ने शिवसेना के साथ साथ सीधे ठाकरे परिवार पर बीएमसी में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। अब किरीट सोमैया नाराजगी दूर करने की हर कोशिश कर रहे हैं। खबर तो ये है कि किरीट को टिकट दिलाने की कोशिश में जुटे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अब शिवसेना को मनाने के लिए उतरे हैं। तो आइए कौन बनेगा प्रधानमंत्री में बांका से अब शुरू करते हैं राजनीतिक चर्चा। एक बार जोरदार तालियां बजा दो भैया, ये सब बांका के बांके नौजवान हैं, इनके सवाल होंगे आज और जो जवाब देंगे उसमें हमारे साथ आरजेडी से बमबम यादव का स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ। बमबम यादव आरजेडी से हमारे साथ हैं, बीजेपी से विकास सिंह हमारे साथ है, भैया जोरदार तालियां बजा दीजिए विकास जी के लिए हमारे साथ। इसके अलावा कांग्रेस से राजेश मिश्रा हैं, बहुत बहुत स्वागत कीजिए कांग्रेस से राजेश मिश्रा जी का। और चलिए इधर चले आइए तो बीएसपी से रफीक आलम साहब हमारे साथ हैं और निर्दलीय खड़ी हुई हैं पुतुल सिंह, श्री नारायण शर्मा उनके प्रतिनिधि के तौर पर यहां मौजूद हैं। तो आइए डिबेट शुरू करते हैं, चर्चा शुरू करते हैं बमबम यादव के साथ। बमबम यादव जी, आरजेडी का ये गढ़ माना जाता है, बहुत जबरदस्त आरजेडी की हवा भी है, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि दोनों भाई मिलकर खेल बिगाड़ रहे हैं? क्या दिक्कत है तेज प्रताप को, ससुर को टिकट मिल गया तो काहे अलग अलग जा रहे हैं दोनों अपना अपना रास्ता पकड़कर? इस चुनावी महासमर में बांका के ऐतिहासिक धरती पर बांका के जनता मालिकों का और आपका मैं अभिनंदन करता हूं, मैं आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जहां तक बांका के विकास की बात है, बांका संसदीय क्षेत्र में 3 ऐसे महापुरुष हैं, आदरणीय प्रकाश नारायण यादव जी, आदरणीय गिरधारी यादव जी, आदरणीय पुतुल सिंह जी, जिन्होंने बांका का सांसद होने के नाते संसदीय क्षेत्र का नेतृत्व करने का काम किया। लेकिन बांका के विकास में माननीय सांसद जयप्रकाश नारायण यादव जी ने बांका के विकास के लिए जो लकीर खींचने का काम किया है, बांका की जनता
इस बात का गवाह है। बोलिए बोलिए, आप बोलिए, आपकी बात जा रही है। बांका की जनता इस बात की गवाह है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बांका में माननीय सांसद जयप्रकाश नारायण यादव ने 1500 किलोमीटर रोड बनाने का काम किया, जिसका लागत 9 अरब रुपया है। बांका का जो विकास है, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, घर का झगड़ा कहीं भारी ना पड़ जाए आरजेडी के लिए। बांका घर का, घर में कोई झगड़ा नहीं है, बिहार में महागठबंधन अटूट है, वह अटूट रहेगा, चाहे वह छेनी हो या तोड़िए उसको। महागठबंधन अटूट है, मुझे इनकी ये बात झूठी लग रही है, क्योंकि मामला अब कांग्रेस दरबार तक जा पहुंचा है। सीटों के बंटवारे को लेकर के, चेहरों को लेकर के मारकाट तो मची हुई है, और अब चाबी आपके हाथ में है। देखिए, महागठबंधन मजबूत है, मजबूत रहेगा, सब दिन मजबूत है। कुछ चीजें होती है जो हमेशा डिस्कशन होती है, लोगों से बातें होती है, चेहरे जब देखते हैं दूसरे पक्ष के लोग कैसे लोग खड़े करते हैं, उस हिसाब से चेहरे चेंज होते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है राजनीति में। लेकिन महागठबंधन मजबूत है, हम लोग मजबूत हैं, और देश का चौकीदार, देश का चौकीदार। ये तो अब राहुल गांधी भी बोलना छोड़ चुके हैं, अब आप काहे बोल रहे हैं। चलिए, मामला इससे आगे जा पहुंचा है, महागठबंधन बहुत मजबूत है वो ये कह रहे हैं। बीजेपी के प्रतिनिधि होने के नाते मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि टिकट देने की बात हुई थी पुतुल देवी को, आप तो सीट ही दे दिए जेडीयू को। ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ एनडीए मजबूत है, एक है, कोई टूट नहीं है। लोग, कुछ लोग भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, लेकिन आपको हम आज बता देना चाहते हैं, बांका की जनता लालटेन युग में जाना नहीं चाहती है। बांका की जनता उस दिन को भी देखा है जब यहाँ पे मुश्किल से इस जिले में, जिले मुख्यालय में दो घंटा भी बिजली नहीं मिलती थी, आज गांव में किसानों के लिए हर घर में 24 घंटा बिजली मिल रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनः इस बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। चलिए, लेकिन सवाल ये है कि आप बीएसपी से ताल्लुक रखते हैं, महागठबंधन इतना मजबूत है, बीएसपी उसमें शामिल है नहीं, ये कह रहे हैं कि एनडीए का गठबंधन बहुत मजबूत है, उसमें आप शामिल है नहीं, तो फिर आप शामिल कहां हैं? हम शामिल हैं, जो संविधान है हमारा उसकी रक्षा करना हमारा काम है। आज दिन तक जो संविधान बना पूर्ण रूप से कोई भी उसको लागू नहीं किया, उसमें दलित, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक का हकमारी हो रहा है, और उसी की लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं, और मेरे साथ अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ा सब लोग मेरे साथ है, यही मेरा आधार। चलिए, पुतुल देवी की तरफ से आप हैं, बड़ा अन्याय हुआ उनके साथ, नहीं, उनको एक रात पहले तक नहीं पता था कि उनकी टिकट कट जाएगी, अब तो सीटें जेडीयू के पास चली गई है, अब वो निर्दलीय खड़ी हैं। क्या लग रहा है, गठबंधन को, महागठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगी या जीत जाएंगी? पुतुल कुमारी जी किसी को नुकसान पहुंचाने की नीयत कभी रखती ही नहीं है। पुतुल कुमारी जी शांति एवं विकास में आस्था रखती हैं। पुतुल कुमारी जी किसी को हराने के लिए नहीं, बल्कि बांका की जनता और बांका के स्वाभिमान को जिताने के लिए खड़ी हुई है, और निश्चित तौर पर पुतुल देवी जी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगी इस क्षेत्र। पुतुल देवी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगी, लगता है गलती हुई है बीजेपी से कुछ, उन्हें निर्दलीय खड़ा होना पड़ा। पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है, उनको भी मानना चाहिए, पार्टी के साथ रहना चाहिए। पार्टी आरजेडी के बाद अगर किसी का जोर है बांका में तो वो पुतुल देवी का है। ये गलत सोच है जनता, आप गरीबों के बीच में जाएं, गांव में जाएं। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने जो गरीबों के लिए काम किया है, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने, बम जी ये कह रहे हैं गरीबों के लिए बड़ा काम किया है, और साफ तौर पर बीजेपी वालों का कहना है कि बिहार में अब लालटेन की रोशनी में काम नहीं चलेगा क्योंकि लाइट आ गई है। बिहार नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों की जो सरकार है वो निरंकुश सरकार है, और जहां तक बांका के विकास है, बांका के विकास में जो माननीय सांसद जयप्रकाश नारायण यादव जी ने जो काम किया है आज तक किसी ने नहीं किया है। बांका पुलों की राजधानी है, बांका में 470 पुल बनाने का काम किया आदरणीय जयप्रकाश नारायण यादव जी ने, बांका में बांका को 4 लेन से जोड़ने का काम किया। ये फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन महागठबंधन बचा रहेगा चुनाव से पहले तक, और अगर चुनाव तक चल गया तो चुनाव के बाद बचेगा। कांग्रेस के प्रतिनिधि होने के नाते आप गारंटी देते हैं इसकी?
ये गठबंधन जो है वो गठबंधन हमेशा रहे। गठबंधन तो एनडीए का है, आपका तो महागठबंधन है ना। गठबंधन हमेशा रहेगा और महागठबंधन है। रही बात यहाँ के जो विकास पुरुष जयप्रकाश जी हैं, वो रियली विकास पुरुष हैं, उनको सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म के लोग चाहते हैं और वो बहुत अच्छे इंसान, वो विकास पुरुष माने जाते हैं। अब रही भाजपा ने क्या किया, 10 ऐसा हॉस्पिटल बता दीजिए जिसका कि नींव मोदी जी ने रखा हो, उसमें मरीज का इलाज हो रहा हो। 10 ऐसी एयरपोर्ट बता दीजिए जिसमें कि मोदी जी ने नींव रखा हो, वहां से प्लेन उड़ रही हो। 10 ऐसी यूनिवर्सिटी बता दीजिए जिसका नींव मोदी जी ने रखा हो और वहां पे बच्चे का एडमिशन हुआ हो। मोदी जी ने युवाओं को छलने का काम किया है और कुछ नहीं। मोदी जी ने युवाओं को छलने का काम किया है। नहीं भैया, एक मिनट आराम से यहाँ से बात करूंगा। मोदी जी ने युवाओं को छलने का काम किया है कह रहे हैं। क्या बोले सर? ऊपर नहीं आना। मैंने बोला था मैं आऊंगा आपके पास, ऊपर नहीं आना किसी को भी ऊपर। मोदी जी ने युवाओं को छलने का काम किया है कांग्रेस कह रही। सर कांग्रेस के बारे में तो नहीं बता सकते, लेकिन मोदी जी ने बहुत युवाओं के लिए बहुत काम किया और आशा करते हैं कि आगे भी बहुत काम करेंगे और इसलिए हम लोगों का एनडीए का समर्थन है, लेकिन साथ साथ हम लोग एक नारी सशक्तिकरण के लिए। ठीक है बाकियों से पुतुल कुमारी के साथ नीतीश कुमार ने गद्दारी किया है। नीतीश कुमार को हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। नीतीश कुमार हम लोग केंद्र में नरेंद्र मोदी के साथ। नहीं ऐसे नहीं आऊंगा किसी के पास। इधर से कोई अपनी बात रखना चाहता है, कोई बोलना चाहता है, बोलिए आराम से बोलिएगा। बाकाम से प्रकाश यादव नहीं जीतेगा, चाहे जो हो जाए नहीं जीतेगा, कोई काम नहीं। ठीक है, यहाँ तो बम्मम यादव जी मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। यहाँ कोई मोदी का नहीं, यहाँ लालू का लाल है। लालू का लालटेन जलेगा जब प्रकाश नारायण यादव जीतेगा, बांका का विकास होगा, बांका का विकास होगा, बांका की जनता। आज तक मोदी आजादी के बाद बांका के इतिहास में आज तक एनडीए और भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीती है। मैं विश्वास दिलाता हूँ बांका के जनता मालिकों को कि बांका में लालटेन का लहर है, बांका में लालू यादव जीतेगा, जब प्रकाश यादव जीतेगा बांका का विकास होगा, तेजस्वी यादव आगे बढ़ेगा। कह रहे हैं कि बांका के विकास के लिए और बिहार के विकास के लिए लालटेन का ही जलना जरूरी है। लालटेन की लौ बुझ चुकी है, जनता समझ चुकी है, गलत फहमी में जनता नहीं है। लालटेन की लौ कब की बुझा चुकी है। और जहां तक बात है इस देश में वंशवाद और भ्रष्टाचार, वंशवाद की चर्चा फिर कभी करेंगे। मुझे ये बताइए कि दो के झगड़े में तीसरे का फायदा होगा क्या? पुतुल देवी की मैं बात कर रहा हूँ, महागठबंधन और गठबंधन दोनों में अंदर खाने झेझे पेपे हैं। निश्चित तौर पर बांका के चुनावी इतिहास को अगर देखेंगे तो बांका के चुनावी इतिहास ने प्रमाणित किया है कि बांका में दो दो बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में एक बार स्वर्गीय दादा और एक बार पुतुल कुमारी जीत चुकी हैं और वह इतिहास पुनः दोहराया जाएगा क्योंकि इन दोनों के पास राजनीतिक दल का टिकट। सब अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, ये कह रहे हैं पुतुल देवी जीतेंगी, वो कह रहे हैं जयप्रकाश, वो कह रहे हैं बीजेपी के एनडीए की तरफ से होगा। आप बीएसपी दर्ज करा पाएगी अपनी उपस्थिति? बीएसपी अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाएगी? जी जी एकदम, क्योंकि मेरे पास हम जीत अल्पसंख्यक उम्मीदवार आजादी के बाद पहली बार अल्पसंख्यक उम्मीदवार हुआ यहाँ पे और दलित वोट मेरे साथ है, दोनों का समीकरण मजबूत होता है। सबसे मजबूत दावेदारी हमारी है यहाँ बांका में। कांग्रेस वाले यहाँ पर भी चौकीदार चोर है का नारा लगवा रहे हैं। आपने देखा होगा चौकीदार का कितना समर्थन मिला है, रिट्वीट करके करोड़ों लोगों ने इस देश के चौकीदार को एक सही प्रधान सेवक के रूप में, एक आंदोलन के रूप में। भैया कैंपी हिंदुस्तान का हर व्यक्ति अपने आप को चौकीदार कहने को तैयार है। इन लोगों को समझने की जरूरत है, ये गलतफहमी में नहीं रहे। आने वाला यहाँ से गिरधारी यादव भारी मतों से चुनाव जीतेगा। ठीक है, जातिवाद, भ्रष्टाचार और पाकिस्तान पर एक साथ प्रहार, इसलिए हर बार मोदी सरकार। अच्छा ठीक है, लेकिन अपने हर मुद्दे पर मोदी फेल रही है मोदी सरकार, इसलिए महागठबंधन का प्रधानमंत्री बनेगा। आज तक जब से ये प्रधानमंत्री बने जितनी घोषणाएं इन्होंने की एक भी वादा को अपने पूरा नहीं किया, इसलिए ये फेकू के नाम से। मंच पर भीड़ मत बचाइए, नीचे उतरिए फिर नीचे उतरिए।
मैं एक बात प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बिहार को, बोलो आपकी आवाज जा रही है, बिहार को पिछले चुनाव ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं, चौकीदार बिल्कुल चोर है, और इस बार चौकीदार को बिहार देश से हटा के रहेंगे। ये गलत तरीका है, देखिए ये गलत तरीका है, इस तरीके से शो नहीं जा सकता, इस तरीके से शो नहीं जा सकता। आप अपनी बात रखने का मौका गंवा रहे हैं, आप लोग अपनी बात रखने का मौका गंवा रहे हैं। वो तो ठीक है भाई साहब, अरे लेकिन ये तरीका नहीं है अपनी बात पहुंचाने का। देखिए नहीं नहीं, चलिए चलिए फिर मुझे धन्यवाद करना पड़ेगा। तो चलिए बांका में इतना ही, क्योंकि बांका के लोग अपनी बात रखना नहीं चाहते, सिर्फ मोदी मोदी लालू लालू। भागलपुर में मुलाकात होगी सोमवार को, आज बांका से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।